द्वापर युग में फिर हो गया एक 10,000 से 1,000 हो गया, लेकिन जब कलि युग आ गया फिर 1,000 से हो गया 100। बताया जब घोर कलि युग आएगा 100 से हो जाएगा 10। कितना साल हो जाएगा? 10 साल हो जाएगा। क्यों? हर चीज हाइब्रिड से बन रही है, कोई प्योर चीज आपको मिलेगी नहीं, इसलिए धीरे धीरे परमायु कम होते जा रहा है। और पहले पहले नियम होता था, जब तक द्वापर युग में जब तक 10,000 साल पूरी नहीं हो जाएंगे कोई मरेगा नहीं, 10,000 तक जिएगा ही है, 1,000 साल जिएगा ही, लाख साल जिएगा ही, श्योर था। लेकिन कलि युग में हमने जो श्वास छोड़ा है, हम दूसरे बार भी श्वास ले पाएंगे, कोई बता सकता है? कोई बैठ बैठ कर हार्ट अटैक हो जाता है, गाड़ी में चलते चलते कहीं एक्सीडेंट हो गई, वही हमारे राम नाम सत्य वही पर हो जाता है। इसलिए कलि युग में कोई गारंटी है ही नहीं, इसलिए भगवान ने देखा इनके कल्याण कैसे हो। इसलिए पहले एक वेद था, उन्होंने एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में श्री व्यास देवज ने प्रकाशित किया है। पहले कोई ग्रंथ ही नहीं होता था, जो बड़े बड़े होंगे पता होगा, स्कूल में जाते थे पढ़ते थे रटते 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 सब रट रट लेते थे, कोई पुस्तक की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन कलयुग में धीरे धीरे परमायु धीरे धीरे कम होते जाएगी, बुद्धि ह्रास होते जाएगी, स्मरण शक्ति खत्म होते जाएगी। क्यों? इंटरनेट, स्मार्टफोन और टीवी, ये तो दुनिया को सत्यानाश कर दिया। पहले गुरुकुल में जाते थे 25 साल तक रहते थे, ब्रह्मचर्य पालन करते थे, क्यों? कोई गंदी चीज देखते नहीं थे। लेकिन अभी 13 साल लड़की में लोग अभी गर्भधारण करती है, 13 साल में बच्चे लोग इंटरनेट स्मार्टफोन में उल्टा पुल्टा देख देख करके बुद्धि खराब हो जाता है, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सब उल्टा पुल्टा चीज। ब्रह्मचर्य रक्षा नहीं कर पाते, इसलिए ब्रह्मचर्य रक्षा नहीं कर पाएंगे तो बुद्धि स्मरण शक्ति भी धीरे 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 ह्रास होती जाएगी। इसलिए भगवान श्री ये व्यास देव रूप में श्री भगवान जगत में अवतीर्ण हुए, और अवतीर्ण होकर के ये अवतीर्ण कैसे कब हुए? एक दिन श्री पराशर ऋषि नदी पार करते हुए एक पार से दूसरे पार आए, अभी वापस चलते चलते हो गया लेट। पहले केवट लोग रहते थे यमुना किनारे में रहते थे, जो आते थे उनको पार करा देते थे। अभी पराशर ऋषि आवाज लगाई, शाम हो गया कोई है ही नहीं, आवाज लगाए बोले कोई हो तो हमें पार करा दो। वो केवट का एक बेटी थी जिसका नाम थी सत्यवती, क्या नाम थी? जिसका नाम थी सत्यवती, बहुत सुंदर थी। बोले उसने जन्म कहाँ से हुई? बोले मछली के पेट से उसकी जन्म हुई। बोले भैया मछली के पेट से कोई जन्म, मछली के पेट से कोई इंसान जन्म लेता है? मछली का मछली जन्म देती है, अरे ये इंसान जन्म कैसे दिया है? बोले एक ऋषि की अभिशाप से कोई एक मछली गंधर्विणी ये मछली बनी हुई। एक समय कोई एक अप्सरा आकाश में उड़ते हुए जा रहा था, उसकी ब्रिजस खलीत होने पर एक मछली ने उसको पान कर ली, उसी मछली ने। और केवट ने जब वो मछली को पकड़ा, पेड़ को फाड़े, बड़ी सुंदरी एक बेटी जन्म हुई, अपूर्व सुंदरी बेटी जन्म हुई उसकी गर्भ से। अभी पराशर ऋषि ने कहा बेटी एक काम करो, ऋषि को नदी पार करा दो। जो नदी पार करा रही थी, बीच में एक टापू सा था, वहीं पर जब नाव लग गई, चारों तरफ में कोहरा कोहरा हो गया, और ऋषि ने वो बेटी को प्रति उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। जब दिव्य दृष्टि से देखा, इतने में देखते ही वो बेटी गर्भवती हो गई, और उसकी गर्भ से उसी समय 16 साल की बड़े सुंदर कृष्ण जैसे रंग ऐसे एक सुंदरी बेटी जन्म हुई। जब बेटी जन्म उसी समय में उसकी गर्भ से ही व्यास देव जी जन्म हुए, अपूर्व सुंदर थे,
इसलिए इनका नाम पड़ गया कृष्ण त्वयि पायन विदता। कृष्ण मतलब वो देखने में श्याम रंग के थे, काले रंग के, इसलिए उनका नाम कृष्ण। बोले त्वयि पायन मतलब वो प्रकट हुए द्वीप से। वेद व्यास मतलब पहले वेद एक था, उन्हें वेद को ने चार रूप में प्रकाशित किया है, ऋग यजु श्याम और अथर्व, ये चार वेद को प्रकाशित किया। उसको बाद में देखा अभी जीव के लिए कठिन है समझना, फिर उन्होंने उपनिषद को उन्होंने वर्णना किया, उसको बाद में उन्होंने ब्रह्म सूत्र को, उसको बाद में उन्होंने सत्रह पुराण को स्थापन किया। देखा स्त्री और शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, फिर उन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत को रचना की। लेकिन ये सारे ग्रंथ करने का बावजूद भी उनके हृदय में शांति नहीं मिलती, लग रहा था मानो इसमें किसी कमी है। अभी उनका समझ में नहीं आ रहा था इसमें कमी कमी है क्या चीज। अभी भगवत इच्छा से श्री नारद जी बिना बजात बजात श्री नारद जी वहां पर उपस्थित हुए, और नारद जी श्री व्यास को बोले, बोले लगता ही है तेरे मन में शांति नहीं है। बोले गुरु जी आप तो गुरु हो। बोले गुरु मतलब क्या होता है? बोले गुकार अंधकार रुकार गुरु मतलब होता है हमारे हृदय रूपी अज्ञान को दूर करके हृदय में जो दीपक आलोक को संचार करती है गुरु का काम। बोले आप तो गुरु सब जानते हो है? नारद जगत गुरु श्री नारद। बोले गुरु जी हमें समझ में नहीं आ रहा है हमारे अंदर में कमी तो कमी किस चीज की कमी है, आप कृपा करके बताओ कमी क्या है। बोले देखो तुम्हारे अंदर में कमी ये है। बोले क्या कमी है? बोले धर्जथा धर्म दश्चार्था मुनि बज्जा न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्णिता। बोले देखो जो जीव है, जीव कौन है? जीव ईश्वर अंश जीव अविनाश, जीव ईश्वर का ही अंश है। जब ईश्वर का अंश है इसलिए हम कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविण तुमेव तुमेव सर्वम। भगवान हमारे कृष्ण हमारे पिता माता भाई बंधु कृष्ण, हम सब उनकी औलाद है। जब हम उनकी औलाद हमारा क्या कर्तव्य है? बोले उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनके नाम लेना, उनकी पूजा करना, ये हमारी धर्म है, यही हमारी धर्म है। इसलिए जब तक ये, लेकिन तुमने अलग अलग पुराण लिखा, जब शिव पुराण लिखा तुमने क्या बताया? सत्यम शिवम सुंदर। शंकर जी कौन है? देवदेव महादेव योगी योगी महादेव, शंकर के बराबर कोई है? शिव पुराण भी पढ़ लेगा ना, बोले भैया और कोई जगत में है कि शंकर ही बोले बाबा ही सब कुछ। जब देवी पुराण को पढ़ेगा बोले भैया देवी से तो विष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकट होते, भैया देवी ही सब कुछ है, हाँ जगत जननी माता ही सब कुछ है। जहाँ पर ब्रह्मा जी की महिमा गाए अगर उसको कोई पढ़ेगा बोले दुनिया में सृष्टि का ब्रह्मा ही जगत हो गया है। जहाँ श्री गणेश जी की महिमा गाए भैया सबसे पहले तो श्री गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। अगर ये सारे ग्रंथ को कोई पढ़ लेगा ना वो पागल हो जाएगा। अभी किसको पूजा करेगा नहीं करेगा समझ में नहीं आई, और बोले भविष्य में ना बड़ी झगड़ा होने वाले है। जो शंकर जी को पूजा करेगा नहीं यही सब कुछ, तो मैया देवी को पूजा करेगा नहीं यही सब कुछ, भविष्य में लोग सब झगड़ा करेगा आपस आपस में। बोले गुरु जी आप ही बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। बोले देखो बेटा तुम अभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करो, जिस ग्रंथ में इधर उधर किसी देवादेवी नहीं, जगत में तो 33 करोड़ देवादेवी, कितना देवादेवी है? 33 करोड़ देवादेवी है। अगर एक को मनाओ तो दूसरे मुंह खुला कर बैठ जाएगा, दूसरे को मनाओ तो तीसरा मुंह खुला कर बैठ जाएगा, हैं? बताओ कितने को पूजा करोगे तुम? हाँ लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे एक देवता है, हाँ ध्यान देकर सुनो, इसलिए भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाए। बोले हे अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको तुम शंकर जी कहते हो देखो विराट रूप में शंकर भी है, जिसको तुम आप देवी कहते हो देखो देवी भी मेरे अंदर में, जिसको तुम गणेश कहते हो देखो गणेश मेरे में ही है,
जिसको तुम हनुमान कहते हो, देखो हनुमान मेरे नहीं, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो, हे अर्जुन देव ही विश्व ब्रह्मांड मेरे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझको छोड़ कर के जगत पर कुछ है ही नहीं। जैसे को उदाहरण दिए, देखो मेरे तरफ में देखो, जैसे एक फूल की माला है, एक फूल की माला है, इसमें माला क्यों बना हुआ है, दिखता ही माला, लेकिन उसके अंदर अंदर धागा है। अगर ये धागा को तोड़ दो फिर माला रहेगी नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं मई सर्वविदम प्रक्तम सूत्रे मई गणाये, भगवान कहते हैं अर्जुन ये माला रूप, ये धागा रूप में मैं विद्यमान हूँ, इसलिए ये विश्व ब्रह्मांड वो तुम देख रहे हो सुंदर रूप में बना हुआ, अगर मैं नहीं हूं ना कि दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए उन्होंने विश्व ब्रह्मांड दिखाया, जगदीश कर्ण दिखाया, यहाँ तक भी कृष्ण दिखाए, जो जो मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह वामन, ये भी भगवान कृष्ण के अंदर सब कुछ उन्हें दिखाया। इसलिए जब किसी को अच्छे तरह से समझो, जब हम भगवान के कृष्ण के चरण में प्रणाम कर लिया ना, ये 33 करोड़ देवता के चरण में प्रणाम अपने आप, जैसे पेड़ का जड़ में पानी दो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा, जैसे मुंह में खाना दो सारी इंद्रियां सही रहेगा। अगर जड़ में कोई पानी नहीं दे, दिन भर उसका पत्ते को फल को फूल को धोते रहे, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा, खत्म हो जाएगा। जैसे मुंह में कोई आहार नहीं दे, आंखों में कानों में आहार दे, जिंदा रहोगे नहीं, मुंह में आहार दो सारे इंद्रियां सही रहेगी। उसी तरह जब हम भगवान कृष्ण के चरण की पूजा करते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं, ये 33 करोड़ देवता अपने आप खुश हो जाते। इसलिए बोले जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे, जिसको पर हरि की कृपा हो जाता है ना, उसको पर सबका कृपा अपने आप हो जाता है, सारे देवादेवी उसको पर खुश हो जाते हैं। आज जिसको पर हरि की कृपा नहीं हो ना, जैसे रावण है, हनुमान को जब वहां पर पहुंचाए, वहां पर देखा उसका पिता उसका घर में झाड़ू लगा रहा था। हनुमान जी के पिता कौन है, अरे बोलो हनुमान जी का पिता कौन है, पवन कुमार है ना। देखा उसको घर में झाड़ू लगा रहा था, अग्नि को देखा उसके घर में कपड़ा धुलाई कर रहा था, हाँ कपड़ा धुलाई कर रहा था। ब्रह्मा को देखा उसको स्तुति सुना रहा था, उसको प्यार को नीचे देखा काल को दबा करके बैठा हुआ, सारा दुनिया को बसे हुए कर लंकिनी वो चौकीदारी की काम कर रहे थे सारे वो सारे, लेकिन उसने एक प्रभु राम को खुश नहीं कर पाए, लंका जल कर खाक हो। लेकिन विभीषण किसी को पूजा नहीं करता था, एक प्रभु राम को ही भक्ति करता था, इसलिए हनुमान ने पूरा लंका को जला दिया, लंका जला दिया, लेकिन एक व्यक्ति का घर छोड़ दिया, किसकी छोड़ दिया, क्यों, वो प्रभु राम के शरण में था। शिक्षा देते हैं, उन्होंने लंका को जला दिया, अब ये बताओ लंका तो सोने की है ना, कभी सोने जलती है, बल्कि सोने को जितने तपाओ ना आग में उतना ही निखरता है, लेकिन कहते सोने की लंका जला दिया, मतलब शिक्षा देते हैं, कहते अगर प्रभु राम के शरण में नहीं आओगे ना, भले ही सोने की लंका की उन्हें वो जला करके रात भर जाएगी, लेकिन अगर प्रभु राम के शरण में आ जाओगे तो बस कोई तुम्हारे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर नारद जी बताए, अभी तुम शुद्ध रूप में भागवत ग्रंथ रचना करो। भागवत मतलब क्या है, इसका दो अर्थ होता है, एक तो भगवान और उनका भक्त, जिसमें ध्रुव जी का कथा है, प्रहलाद अम्बरीश हैं, भरत महाराज, केवल भगवान और उनके भक्तों का ही कथा सुनाओ और किसी की बात इसमें मत लिखा करो, तभी ये आत्मा को तुमको शांति मिलेगी। क्यों, जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है, वो और हम किस और किसका अंश नहीं है, हम भगवान कृष्ण राम के अंश है। जब हम उनकी भक्ति करेंगे, जब ठाकुर जी खुश हो जाए ना, ये सब के सब अपने आप खुश हो जाएंगे, सारे देवादेव खुश हो जाएंगे। इसलिए अभी शुद्ध रूप में भक्त और भगवान की ही कथा सुनाओ, उसको लिखो, तभी तुम्हारा आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। देखो भले ही जिंदगी में इसी देवता को उसी देवी को भले ही जिंदगी भर पूजा करते रहो, लेकिन जब शरीर छुटता है ना, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते हैं, वो यही बोलते हैं ना,
राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य वाला गत्य है, सब कोई बात झूठा ये बोलते हैं ना। जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही जाएगा और सब झूठा ये बोलते हैं। फिर भैया जिंदगी भर इधर उधर क्यों पूजा करते हो, जब अंतिम समय में बोल देंगे सब कोई बात झूठा ही है तो झूठे को क्यों पूजा कर रहे हो, और सच को पूजा करना, भगवान राम कृष्ण को पूजा करना, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने भागवत ग्रंथ में उन्होंने सारे चीज को प्रकाशित किया, सारे वेद पुराण को। इसलिए श्री व्यास देव जी ये भगवान की सत्यावेश बता रहे हैं। हाँ, इसलिए भगवान की छह अवतार है, गुणावतार, लीला अवतार, पुरुषावतार है, हंसा अवतार, कला अवतार। उसमें एक अवतार का नाम सत्यावेश अवतार। मतलब क्या है, भगवान कभी कभी अपना शक्ति किसी जीव को अंदर में अपना शक्ति को दे देते हैं, देकर के अद्भुत काम करते हैं। इसलिए आज श्री व्यास देव जी का आज जन्म तिथि, ये जन्म तिथि होने का नाते ये व्यास देव भगवान की सत्यावेश अवतार, जिन्होंने ये सारे ग्रंथों को प्रकाशित किया है, तभी हम हर चीज को समझ पाते हैं। धर्म किया, अधर्म किया, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूनी चाहिए, गुरुजन को प्रणाम करनी चाहिए, पिता माता की सेवा करनी चाहिए, सबको आदर देनी चाहिए, भगवान की भक्ति। ये कहाँ से हमें पता चला, शास्त्र से, ये शास्त्र से पता चला है। इसलिए आज हम लोग श्री व्यास देव का चरण में हम सब के सब ऋणी। अगर वो नहीं होता ना, हमसे कुत्ते कुत्ती जानवर होकर घूमते रहते, हमें अच्छा ही पता ही नहीं चलता, अच्छा किया, बुरा किया, दुनिया किया, आए कहाँ से, करना किया, जहाँ जाना कहाँ है ना। इसलिए श्री व्यास देव जी, सुंदर गोपाल इधर आ जा, इसलिए इधर, इसलिए आज श्री व्यास देव जी का जन्म तिथि है, प्राकट्य तिथि है, इन्होंने हमें ये सब ज्ञान दिया, इसलिए आज का नाम श्री व्यास पूजा है, आज का नाम श्री व्यास पूजा। अभी प्रश्न होता है, आज तो श्री व्यास देव जी जन्म हुए, फिर आज हम फिर गुरुओं को क्यों पूजा करते, फिर व्यास देव को पूजा होनी चाहिए ना। देखना हमारे भारत में आज का दिन सबके सब अपना गुरु जी को आश्रम में जाते हैं, गुरु पूजा करते हैं, फिर हम श्री गुरु जी को भी पूजा करते हैं। इसलिए व्यास मतलब होता है विस्तार करना, क्या करना, विस्तार करना शास्त्र ग्रंथों को। इसलिए व्यास देव जी ने सारे शास्त्र को विस्तार किया, उसी तरह उसी परंपरा में जैसे सर्वप्रथम भगवान दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी अपना बेटे श्री नारद जी को दिया, नारद जी वही ज्ञान श्री व्यास देव को दिया, फिर व्यास देव जी श्री सुखदेव गोस्वामी को, मध्वाचार्य को दिया। ऐसे करते करते सत्य युग से ये दिव्य ज्ञान अभी तक हम लोगों को पास में आया, और उसी ज्ञान को अभी हमारे गुरु जी क्या कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं। गुरु जी विस्तार, व्यास मतलब विस्तार करना, उसी ज्ञान को जगत में बांट रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन, इसलिए हम अपने अपना गुरु जी को आज का दिन हम सब के सब अपना अपना गुरु जी को पूजा करते हैं, क्यों, उसी परंपरा हम चुके गुरु जी आए हैं। इसलिए आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है, विशेष करके हमारे भारतीय लोगों के लिए बहुत बढ़िया दिन आज है। इसलिए हमारे बीच में कुछ कुछ भक्त लोग है, वो लोग भी व्यास पूजा क्यों, ये गुरु है कौन, गुरु करने का क्या जरूरत है, इन इन विषय पर हमारे भक्त लोग है कुछ कुछ हरि कथा सुनाएंगे, आप लोग उनकी कथाओं को सुनना, ठीक है। इसलिए हमारे अजय प्रभु आए हैं, आए कहाँ है अजय प्रभु, कहाँ है, आजा इधर, आजा इधर, आजा जी, तुम भी इधर आ जा, इधर आ जा, हमारे सुंदर गोपाल प्रभु, सुंदर एक हरे कृष्ण, ओम ज्ञान देवतस्य ज्ञानंजन सदाकया जस गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णवर्ताय तद्वर्ताय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी रसवान सुत देवी नमामि हरि वांछा कर्पूरच कृपा सिंधु एवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय रूप पृष्ठाय रूतरे श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण वैति नामे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम में नित्य लीला ओम प्रविष्ट अष्टो तक श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। उसके पश्चात अपनी संपूर्ण परंपरा के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। भक्ति वेदांत उस बात भक्ति वेदांत श्रीदेव महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। और मेरे गुरु भाई जीत प्रभु अनुरुद्ध प्रभु सुंदर गोपाल प्रभु और सुदाम प्रभु जितने भी हैं वो सबके चरणों में यथायोग्य प्रणाम। वैसे मेरा अधिकार तो नहीं है बोलने का, लेकिन हम जिनकी पूजा कर रहे हैं ये ऐसे हैं कि ये करवा देते हैं, ये बुलवा देते हैं। एक जो इस स्कूल के जो संस्थापक हैं उनके आगे एक शब्द लिखा होता है श्री कृष्ण कृपा गुरुदेव का आगे एक शब्द क्या लिखा रहता है श्री कृष्ण कृपा। इसका मतलब है कि जब कृष्ण हम पर कृपा करते हैं और जब कृपा करते हैं उस कृपा की जो मूर्ति होती है वो गुरुदेव होते हैं। जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं जब वो दुखी होते हैं तो माँ बाप दुखी होते नहीं होते है? जब बच्चे दुखी होते हैं तो माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। ऐसी जब भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि अरे ये तो माया के इसमें चक्कर में आके बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़ा दुख भोग रहे हैं, तो वो ही कृष्ण जब कृपा करके कृपा की जो मूर्ति होती है गुरुपाद पद्म के रूप में वह। ऐसे ही ये जो व्यास पूजा है बहुत साल से पहले अभी महाराज जी कथा सुना रहे थे कि जिन्होंने वेद उपनिषद और वेद व्यास जी ने पूरा किया लेकिन फिर भी ब्रह्म में जब पड़ गए तो संशय किसने निकाला, उनके गुरुदेव आए। जब गुरुदेव आए तो मतलब इतना लिखने के बाद भी इतना ज्ञान होने के बाद भी जब वो खुश नहीं रह पाए आनंद में नहीं रह पाए समस्या खड़ी हो गई तो जैसे गुरुदेव आए गुरुदेव ने क्या किया समस्या से निकाल दिया। ऐसी हमारे जगत में जितनी समस्या होती है जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक जितनी समस्या होती है जब जीव भगवान की जब कृपा जब होती है वो जैसे ही गुरुजी की शरण में आता है तो उसके जो सारी समस्या जो होती है उनका सबका समाधान गुरुदेव के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो हमारा भला कर सके या हमें को सुख या आनंद दे सके या हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। गुरु अष्टकम में जब सबसे पहला जो श्लोक है संसार दावा नल नीलोक त्रायण कारण घना घनत्व, तो इसी से मतलब इसी श्लोक से गुरु अष्टकम के श्लोक से ये पता लग जाता है कि जब हम जो तपन हो रहा है हमारे हृदय में जो तपन हो रही है जैसे कोई व्यक्ति है बहुत गर्मी पड़ रही है बहुत दुखी है बहुत तप रहा है और जब तप रहा है तो बड़ा परेशान है बेचैन है गर्मी की वजह से और जब बेचैन है तो क्या होता है कि जब घना घनत्व घने घने अगर बादल आ जाते हैं बारिश नहीं आई अभी घने घने अगर बादल आ जाते हैं और जैसे ही बादल आ जाते हैं और जब जीव का तृप्त है तो जैसी ठंडी ठंडी हवा जो आती है तो जलन कम होती है नहीं होती। जो तपन थी जिससे हम तप रहे थे अभी बारिश तो आई नहीं है
लेकिन घना घनत्व, जो घने घने जो बादल आते हैं, जो ठंडी ठंडी जो हवा लेके आते हैं, जो हमारे हृदय में जो तपन हो रही है, जो गर्मी हो रही है, उससे क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा आते ही जो गर्मी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही जब तक हम गुरु धारण नहीं करते, इधर उधर जब भटकते हैं, तब जैसे ही गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु हमारे जितने दुख और जो कष्ट होते हैं उनका तो निवारण करते ही करते हैं, लेकिन हमें इससे भवसागर से पार करने का ठेका भी गुरु पाद पद्म लेकर, ये जो महाभागवत होते हैं ना, बड़े कृपालु। और गुरु का मतलब आचार्य का मतलब क्या है, वो अपने आचरण से भी हमको सिखाते हैं कि बेटा ऐसा करो, बताते तो ही लेकिन हमको करवाते हैं, उत्साह देते हैं। सब गुरु जितने भी सदगुरु होते हैं सबके एक जैसे ही लक्षण होते हैं, एक जैसे ही लक्षण होते हैं। आज व्यास पूजा है और हमारे लिए तो हम जो गौड़ीय संप्रदाय है हमने देखा है, जब तक हम इस गौड़ीय माधव संप्रदाय में नहीं जुड़े थे, इधर उधर जब जाते थे, हमने देखा है कि दो तरह की भागवत होती हैं। भगवान की कथाएं तो बहुत मिलती हैं, भगवान की कथाएं खूब मिलती थी, लेकिन भक्तों के बारे में और गुरुदेव के बारे में भी साल में एक बार जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखे थे एक बार जाते थे और बस गुरु जी से मिलाए और उसके बाद घर में पड़े। लेकिन इस संप्रदाय में आकर के हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी संप्रदाय में, ऐसे आचार्यों ने हम पे कृपा करी, गुरुदेव ने हम पे कृपा करी, हम जैसे लोगों को स्वीकार किया। कहते ना गुरु, गुरु भारी चीज होती है, गुरु को धारण नहीं कर सकते, गुरु ही कृपा करते हैं हम पे जब हमको अपना लेते। इसलिए मैं अपना ये सब मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा ब्रज के पास गांव में बहुत सारे साधु भी होते हैं लेकिन ऐसा नहीं मिला कभी, भगवान की कथाएं तो मिली लेकिन भक्तों की कथाएं केवल इस संप्रदाय में। आज व्यास पूजा है, मैं अपने परम अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और जितने वैष्णव हैं सबके चरणों प्रणाम करता हूँ, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि मेरे से जो भी है ये सब गुरु की कृपा है, कोई अपनी इच्छा से बोल भी नहीं सकता, गुरुदेव चाहते हैं तभी कोई व्यक्ति बोल सकता है, ठीक है ना। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनको हरे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की, हरे कृष्ण। हमारे बीच में एक दीदी है, श्री विशाखा दीदी है, ये विशाखा दीदी ये ग्रेटर नोएडा में रहती हैं, पहले ये बोरी गेट में रहती थी, वहाँ भी प्रचार करती थी, उसके बाद में अभी ग्रेटर नोएडा में आई है, वहाँ पर भी वो प्रचार करती हैं, एक एक महिला होते हुए भी वो प्रचार करती हैं और एक एक लाख हरिनाम करती हैं, अपना घर गृहस्थी संभालती हैं, उसको साथ साथ में रोज रोज अपना घर में वो क्लास दे रोज रोज, जैसे संतों का चरित्र है, हमारे महाप्रभु का भक्तों का चरित्र है, हैं, और सुंदर सुंदर महाप्रभु की कथा, बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाती हैं, और प्रचार करते 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 धीरे धीरे उसने भी वहाँ के बहुत सारे भक्तों को उन्होंने भजन में जोड़ा, बहुत सारे भक्तों को उसने भजन में जुड़ा, और ऐसे ऐसे भक्तों को जुड़े उसने जो जो जुड़े हैं ना वो भी एक एक लाख हरिनाम कर दिए, आश्चर्य की बात है, वो भी एक एक लाख भगवान की नाम जप करती हैं। विशाखा दीदी कहाँ इधर आ जाए, इसलिए को थोड़ी सी गुरु जी के चरण में, गुरु जी के लिए इधर आ जाएगा, ये जाएगा लंबा ओम ज्ञान से सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज जी को अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ, तत्पश्चात कुछ पास श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं आप लोगों को गुरु तत्व के बारे में समझा सकूं या कुछ सुना सकूं, यहाँ पर
बहुत मेरे सीनियर वैष्णव हैं वो सब समझाएंगे आपको सुनाएंगे, परंतु मेरी मेरे गुरु जी के साथ कुछ स्मृतियां हैं उन्हीं में से एक मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कहीं आपने सुना होगा मैंने दीक्षा कैसे ली, मैं कैसे आई, आज मैं आपको बताऊंगी मैंने दीक्षा कैसे ली। जब मैंने पहली बार अपने गुरुजी को देखा तो नोएडा में ही देखा था। गुरुजी को देख के मुझे बस सिर्फ इतना समझ आया था कि हाँ गुरुजी बना लेने चाहिए, गुरुजी से नाम ले लेना चाहिए, सिर्फ इतना समझ आया था। दीक्षा क्या होती है, दीक्षा मंत्र क्या होते हैं, कैसे करना, कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने हरि नाम लेने के लिए मैं लाइन में लग गई, हरि नाम लेके मैं जैसे ही नीचे आई सीढ़ियों में ही मुझे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी मिले। पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी ने मुझसे पूछा तेरी दीक्षा हो गई, मैंने कहा नहीं महाराज जी मैं तो हरि नाम लेके आई हूँ। तो महाराज जी बोले तेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, मैंने कहा हाँ जी महाराज जी हैं, उनकी सेवा करती है, मैंने कहा हाँ महाराज जी भोग, जब लड्डू गोपाल जी हैं तो भोग भी लगाती हूँ स्नान भी करवाती हूँ। तो महाराज जी ने बोला तेरा सब पूजा बेकार, कुछ भी फल नहीं हो रहा उसका। मेरे को बस सिर्फ ये बात इतनी महाराज जी की लगी कि मैं मेहनत भी कर रही हूँ और इसका कुछ फल भी नहीं हो रहा। मैंने कहा महाराज जी फिर अब क्या करूँ, मैं तो काम कर रही हूँ और कुछ नतीजा नहीं निकले तो ऐसे काम का क्या फायदा। तो महाराज जी बोले जाओ महाराज जी को बोल दे कि मेरे को गोपाल मंत्र दे दो। तो मैं बिना एक मिनट की भी देरी लगाए बिना कुछ भी सोचे, मतलब मैं सीढ़ियों में ही खड़ी थी, मैं एक बार सीढ़ी नीचे भी नहीं आई, वो ही बीच में से सीढ़ी में ऊपर चली गई और जाके अपने गुरु जी के पास फिर बैठ गई। गुरु जी ने मुझे देखा तू तो अभी हरि नाम लेके गई थी फिर से क्यों आ गई तू। मैंने अपने गुरु जी से कहा मतलब मुझे हरि नाम लेना है, मुझे दीक्षा लेनी है, कुछ मतलब नहीं, बस जो महाराज जी ने बोल दिया ऐसे। मुझे तब महाराज जी का नाम मुझे बाद रसानंद प्रभु जी था, मुझे रसानंद प्रभु जी ने कहा गोपाल मंत्र ले लो जाके, इसलिए मेरे को गोपाल मंत्र दे दो। तो मेरे गुरु जी ने इस तरह से मुझे गोपाल मंत्र दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज भी उस दिन के लिए महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि महाराज जी ने मेरा कैसे मार्गदर्शन किया। आज के दिन महाराज जी मैं आपके चरणों में ऐसे ही निवेदन कर रही हूँ कि मुझ जैसे मूर्ख प्राणी का आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहना और हम सबको समय एक मिनट का भी समय गवाए बिना। उस समय मेरे अंदर पता नहीं कैसी बुद्धि आई, बहुत अच्छी बुद्धि मैं उस समय के मानती हूँ कि मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं विचारा, जैसे महाराज जी ने बोला मैं उसी समय चली गई। हमें भी अपना समय गवाए बिना हमें अपने जो हमारे गुरु वर्ग हैं जो हमारे आचार्य हैं हमारे सामने हमें जो समझा रहे हैं हमें उनको बस एज इट इज फॉलो करना है, अपना उसमें बुद्धि नहीं लगाना। उस समय मैं अगर सोच लेती कल ले लूंगी फिर ले लूंगी तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए ये मेरी भगवान से आज प्रार्थना है, महाराज जी से प्रार्थना है कि मेरे यही बुद्धि बनी रहे कि मेरे गुरु वर्ग मेरे आचार्य वर्ग मुझे जो भी आदेश दे मैं उसको एज इट इज फॉलो करूं। और ये सब महाराज जी से ही मैंने सुना है जो भी मैं सुना पाती हूँ, और महाराज जी की कृपा के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। और कुछ भी मेरा इसमें 0.1% जिसको कहते हैं ना इतना सा भी हाथ नहीं है, महाराज जी करवा रहे हैं तो मैं कर पा रही हूँ। इसलिए हमें बस महाराज जी जो कहें उसका बिना सोचे समझे पालन करना है, यही सच्चे गुरु सेवा होगी। वांछा कल करो हम सब का श्री कृष्ण लीला सुदक्षम अजय औदार्य माधुर्य गुणेश पुरुषम महांतम नारायणं त्वं शिरसा वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो
श्री वैष्णव आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप यहाँ पर आए हैं। अब सौभाग्यशाली क्यों है, संसार में अगर किसी व्यक्ति को सोना मिल जाए, है ना, सोना मिल जाए कहीं से, तो उसे कहते हैं बड़ा भाग्य है इसका, बहुत भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली बोलते हैं, क्योंकि सोना दुर्लभ होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ना, इसीलिए जिसको सोना मिल जाए वो भाग्यशाली होता है। इसी प्रकार से गुरु वैष्णव से हरी कथा सुनना ये भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि संसार में कितने अरबों लोग हैं, उसमें से कितने लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि वो गुरु वैष्णव से हरी कथा सुने। अपने अपने लोगों के कुछ कारण होते हैं, कोई भगवान को मानता है नहीं मानता है, कोई किसी बाबा के पास चला जाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन सदगुरु के साथ, सदगुरु के मुख से, वैष्णवों के मुख से हरी कथा सुनना ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये बहुत कम मिलती है। सदगुरु मिलना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को, क्या है वो, गुरुवे बहव संति शिष्य वित्तापहार का सुदुर्लभम गुरुवे देव शिष्य संतापहार का शिष्य संतापहार का श्लोक लोग आते नहीं है कुछ वैसे ही। तो कह रहे हैं कि पार्वती जी बहुत कलयुग में, कलयुग के लिए बोल रहे हैं, कलयुग में ऐसे बहुत सारे गुरु होंगे जो शिष्य के वित्त का अपहरण करेंगे, मतलब शिष्य के धन को ले लेंगे, और आपको ऐसे ज्यादातर ऐसे ही लोग दिखाई देंगे जो धर्म की आड़ में लोगों का धन का अपहरण करते हैं, उनके धन ले लेते हैं, और देते क्या है, देते कुछ नहीं। अब कहते हैं कि ऐसा गुरु, सदगुरु, गुरु नहीं सदगुरु सुदुर्लभ है, मतलब दुर्लभ से भी ज्यादा दुर्लभ, जो शिष्य के संतापों का अपहरण करे। देखो एक गुरु शिष्यों के धन का अपहरण कर रहा है, धन ले रहा है, और एक सदगुरु है जो शिष्यों के संतापों का, उनके दुखों का हरण कर रहा है। क्या दुखों का हरण करेगा, संसार में तीन प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, ठीक है। ये तीन प्रकार के दुख, कितने भी दुख है दुनिया में वो इन तीन प्रकार के दुखों में शामिल है, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, जो बाढ़ आ गई, ज्वालामुखी फट गया, लोग मर गए, ये देवताओं द्वारा दिए हुए दुख। आदि भौतिक दुख दूसरों के द्वारा दिए हुए दुख, आध्यात्मिक दुख अपनों के द्वारा दिए हुए दुख, सारे दुख इसी श्रेणी में शामिल है। और इन सबको अपहरण कैसे करते हैं गुरु, गुरु ऐसे अपहरण करते हैं, जन्म जब तक हम इस संसार में हैं तब तक ये सारे दुख आते रहेंगे। भगवान बोल के गए, अर्जुन को बता रहे हैं ये संसार क्या है, शाश्वतम दुखालय, दुखों का घर है, दुख आते रहेंगे। तो इस दुखों से छुटकारा पाने का इलाज क्या है, भाई जहां दुख है वहां रो ही मत। तो इस संसार में अगर दुख है तो संसार में रहो ही नहीं, तो संसार में रहे नहीं ये कैसे हो सकता है, संसार में रहे नहीं उसके लिए हमें भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। वहां चले जाएंगे तो वहां पर दुख नहीं है, वहां सुखी सुख है। तो ये संसार से भगवान के धाम कैसे जाए ये केवल सदगुरु ही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे सदगुरु को पहचाने कैसे, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सब लोगों की कोटि कोटि जन्मों की, मतलब पता नहीं कितने हमने करोड़ों अरबों असंख्य जन्म हमने लिए हैं अब तक अलग अलग यूनियों, और उनमें हमने बहुत सारे कुछ सुकृतियां अर्जित की हैं, पुण्य नहीं सुकृति, किसी गुरु वैष्णव की सेवा किसी तरीके से हमने करी है, और वो जब बहुत सारी सुकृतियां इकट्ठी हो जाती हैं बहुत सारी, तब जाकर एक गुरु जो है उनका चरण मिलता है, ठीक है। और फिर वो गुरु हमको बताते हैं कि संसार के दुखमयी संसार को छोड़कर सुखमयी भगवान के धाम में कैसे जाया जाए,
वो सदगुरु बताते हैं। तरह तरह के बाबा लोग ये सब नहीं बताएंगे, वो धर्म की बात करेंगे, शास्त्रों से बात बोलेंगे, भगवान की कथा बोलेंगे, लेकिन उनकी निगाह केवल शिष्य की देह पर रहती है। लेकिन सदगुरु की निगाह शिष्य के आचरण पर रहती है, उसके भजन पर रहती है कि कैसे मैं इसका भजन बढ़ाऊं जिससे कि ये भगवान के धाम जा सके। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी परंपरा जो भगवान साक्षात भगवान से शुरू हुई। अभी महाराज जी बता रहे थे कि वेद व्यास जी हमारे आदि गुरु हैं, उन्होंने नारद जी से सुना, नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना, ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान के मुख से भगवान के बारे में उन्होंने ब्रह्मा जी ने सुनाया और वही ज्ञान उन्होंने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने मध्वाचार्य जी को दिया। ऐसे ऐसे करके गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वही ज्ञान, भगवान क्या है, भगवान का धाम कैसा है, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या अच्छा लगता है, ये सारी चीजें हमें इस गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त होती है। अगर कोई आपको दिखे, कोई बाबा, कोई गुरु ऐसे ही कहीं कुकुरमुत्ते की तरह उबाए, एकदम से खड़ा हो जाए, वो गुरु नहीं है। हमेशा देखो कि किस परंपरा से, क्या ये हमारे चार वैष्णव संप्रदाय है उनमें से किसी संप्रदाय से है, क्या इसका संबंध भगवान की तरफ से जाता है, क्या ये जुड़ा हुआ है वहां से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु की दिखाई हुई परिपाटी, भजन परिपाटी में हम आज हमारे गुरु श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी और हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के आश्रय में हम लोग हैं और हम लोग उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें तो ये सत्य है कि हम जरूर जरूर भगवान के धाम पहुंचेंगे, जहां पर पूरे दुखों से छुटकारा पूरा हमेशा के लिए हो जाए। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे महाराज जी का हमें मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। ये अलग बात है कि मैं शिष्य नहीं बन पा रहा हूँ, लेकिन महाराज जी गुरु हैं, वो गुरु ही रहेंगे, वो गुरु का ही काम करेंगे, मैं शिष्य नहीं बन पा रहा हूँ, तो मेरे को महाराज जी बल दें कि मैं निरपराध होकर हरिनाम कर सकूं, गुरु वैष्णव की सेवा कर सकूं। श्री बीच में श्री ये सब गुरुदेव का, हमारे बड़े गुरुदेव का सब शिष्य लोग हैं, इसलिए अभी इसमें श्री हमारे श्री अजय प्रभु जी, ये अजय प्रभु पायलट है, इनकी पत्नी भी पायलट थी, इनका पूरा परिवार ही पायलट है, इसलिए प्रभु जी गुड़गांव में रह करके हमारी शुद्ध भक्ति धारा को प्रभु जी प्रचार करते हैं और खुद भी भजन करते हैं, पूरा परिवार को भजन कराते हैं। इनकी पत्नी कनाडा में रहती है, बच्चे भी कनाडा में रहते हैं, लेकिन वो विदेश में रहते हुए भी बड़े सुंदर भजन करते हैं, विदेश में रहते हुए भी बड़े सुंदर भजन गाते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी भजन गाते हैं। विदेश में जाकर के अपना संस्कृत को छोड़े नहीं, अपना भारतीय संस्कृत को ऊपर रह करके भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। बीच में हमारे श्री अजय प्रभु जी को भी आपको कुछ भक्ति की बात, हरे कृष्ण, उस तरफ में चले जाओ, पीछे चले जाओ, ओम अज्ञान तिमिरं भस्म ज्ञानं जनसमाते चक्षुरुन्मीलितं जी पीछे पीछे ना बैठने के लिए। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम लोग गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में महाराज जी के अनुगत में यहाँ इकट्ठे हुए हैं नोएडा में, और मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी है, इतना सुंदर मठ महाराज जी ने बनवाया यहाँ के हम सब आश्रय ले सके। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, दर्शन किया ठाकुर जी के, बड़े सुंदर, बहुत ही आनंद आ रहा है। प्रभु जी ने भी कहा गुरु के बारे में, गुरु शब्द का अर्थ होता है गुरु और रू, दो चीजों से मिलकर बनता है, इसका मतलब जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। साधारणतः भगवान की पूजा तो हम सभी भारतीयवासी
करते ही हैं किसी ना किसी तरह से भाव में किसी भी तरह से, लेकिन गुरु बहुत कम लोगों के पास, सभी लोग के पास गुरु नहीं होते। और उसमें भी सदगुरु होना तो बहुत ही दुर्लभ, जैसे कि प्रभु जी ने बताया। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु उसी को मिलते हैं जो गुरु चाहता है, हरे को नहीं मिलते। और वैसे ही गुरु मिलते हैं जैसे आप चाहते हो। अगर आपको पाखंडी गुरु चाहिए तो पाखंडी मिलेंगे, जैसा आपका स्वभाव है उसके अनुरूप गुरु मिलता है। गुरु की हम कभी परीक्षा नहीं कर सकते। अब प्रभु जी ने बताया कि गुरु पैसे ऐंठने वाले भी होते हैं और गुरु ताप भरने वाले भी होते हैं। आपको नहीं पता चल पाएगा कौन सा कैसा है। हमारे क्या गुरु को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ गुरु जहाँ जिसके पास बैठ के आपका तार मिल जाए, मतलब वहां पे आपका रेजोनेंस हो जाता है। इसलिए कहा गया कि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, भगवान के आशीर्वाद से कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। भगवान डायरेक्ट नहीं मिलते किसी को, गुरु की कृपा से ही मिलते हैं। भगवान जब स्वयं आते हैं धरती पे तो भी गुरु करते हैं। कृष्ण आए गुरु किए, राम आए गुरु किए, स्वयं आते हुए परिपाटी दिखाते हैं। इसलिए गुरु की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है। और गुरु हमारे हृदय के भाव जैसे होंगे वैसे ही मिलेंगे। और गुरु सारे ताप भरते हैं, ये बात तो ठीक है। इसलिए हमने कहा संसार दावा नल लीड लोक, संसार में जो आग लगी हुई है इतनी तेजी से जला रही है हम सबको चारों तरफ से, तरह तरह की आगे, उससे ऐसे शांति मिल जाती है जैसे कि बहुत जोर से बारिश गड़गड़ करके बारिश हो रहा है। जब जंगल की आग लगती है ना तो उसको बुझा नहीं सकते हम लोग। अमेरिका में बहुत लगती है, वहां पे कितने भी फायर ब्रिगेड ले आओ, कुछ भी कर लो, आग नहीं बुझती। खाली उसके लिए इंतजार करना पड़ता है किसका, कि ऊपर से अगर बारिश जोर से हो जाए एकदम जबरदस्त मानसून वाली, तभी वो जाके शांत होती है। गुरु जी इसी तरह वो बारिश करते हैं तो हमारे मन के ताप शांत होते हैं। लेकिन सदगुरु मिलने पर भी सभी के ताप शांत नहीं होते। इस बात को आप जरा ध्यान से सोचिएगा, ये बहुत जरूरी बात है कि सदगुरु हमें मिल गए लेकिन हमें लगता कि हमारे ताप अभी शांत नहीं हुए, हमें अभी परेशानी आ रही है, अभी भी हमारे घर में 50 चक्कर है, ऐसा क्यों होता है। तो शास्त्रों में भागवत में बड़ी अच्छी बात बताई कि यथा देवे तथा गुरु, पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, यानी कि गुरु के चीजें तभी आपको मिलेंगी जब आप उस गुरु को भगवान की तरह मानोगे। बहुत जरूरी बात है, भगवान की तरह ही मानना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा, 90% से नहीं चलेगा, 100%। जब तक हम गुरु को भगवान नहीं मानेंगे तब तक उसको गुरु हमारी कोई भी चीज शांत नहीं कर पाएगा। वो तो गुरु तो करेगा, उसका असर तो होगा, लेकिन वो असर नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए। इसलिए सदगुरु से ज्यादा सत शिष्य होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सदगुरु ना भी मिले और आप भगवान की तरह मांगो तो भी असर होगा, क्योंकि गुरु तत्व अखंड है, एक है, दो तीन नहीं है, गुरु अखंड तत्व। इसलिए जब भी कृष्ण आते हैं साथ में गुरु उनके आते हैं, बलराम जी आते हैं, महाप्रभु के साथ भी आते हैं, तो जब भी भगवान आएंगे तो गुरु साथ में आएंगे। लेकिन आजकल बहुत लोग बोलते हैं अरे दलाल की क्या जरूरत है, हम डायरेक्टली डील करेंगे भगवान से, कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो 1% क्यों देना उसको, सीधा पैसे बचा लेंगे। मतलब ऐसे विचार लोग रखते हैं। और क्योंकि ज्यादातर गुरु आजकल पाखंडी ही निकलते हैं, कोई जेल में है, कोई क्या करते हैं, कोई रेप करते हैं, और फिर इस तरह के शास्त्र वचन गुरु को भगवान मानो तो मन में शंका हो जाती है, ये तो अपने अपना बेड़ा पार करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। गुरु खुद ही कह रहे हैं गुरु को भगवान मानो, ये तो अपने अपने बेड़ा पार करने के लिए कह रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ आगे जब भी आप इस भक्ति पे आगे बढ़ेंगे तो आपको शंका करने का हमेशा मौका मिलेगा, पद पद पर आपको शंका का चांस है, वहां से आपको उस रास्ते से उतरने का पूरा मौका है। क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है, बहुत पतला मार्ग है और बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। इसलिए कहा गया बंदो मोई सावधान मई, बड़े सावधानी से चलना पड़ेगा, आराम से शंका की जा सकती है। भाई ये तो गुरु खुद ही समझा रहा है गुरु को भगवान मानो, ये अपनी अपना उल्लू सीधा करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो इससे निकल जाएंगे शंका से आगे पार होंगे उसी को भगवान की भक्ति मिलेगी। जो यहाँ पे टक बाहर एग्जिट, जगह जगह पे एग्जिट लिखा हुआ होता है ना, मूवी हॉल एग्जिट लिखा होता है, बाहर निकलने का रास्ता, तो हर समय आप भगवान को मौके देता रहता है। इतनी आसानी नहीं है भगवान की अनलिमिटेड हैप्पीनेस पाना, ऐसा सुख जो कभी खत्म ही ना हो, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इसमें बड़ी सावधानी से और शंकाओं को धीरे धीरे दूर करके गुरु में पूरा विश्वास जब होगा भगवान की तरह, जैसा भगवान में विश्वास वैसा ही गुरु में विश्वास, तब बात बनेगी, उससे पहले नहीं बनने वाली है ना।
तो गुरु को भगवान माने कैसे? अब गुरु तो हमारे जैसे रोटी खाता है, हमारे जैसे उसको भूख लगती है, हमारे जैसे सुबह सुबह ब्रश करता है, टॉयलेट जाता है, बोले तो ये तो भगवान तो है नहीं, आदमी दिख रहा है मुझे तो। लेकिन यहीं पर शास्त्र सावधान करते हैं कि गुरु को भगवान मानने से ही काम होगा। एक उदाहरण दिया गया छोटा सा, जैसे कि चांद है। अब शाम को आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन चांद की किरणें बड़ी शीतल पड़ती हैं और पूरे वनस्पति को उससे फायदा होता है और आदमियों पे भी पड़ती, तो आदमियों को अच्छी सोच बनती। कभी कभी लोग कविताएं लिख देते हैं चांद की किरणों के ऊपर, कितने कितने गाने लिखे हैं, चौदहवीं का चांद, ये वो तरह तरह के। लेकिन ये चांद की रोशनी चांद की अपनी नहीं है, किसकी है? सूर्य की रोशनी है। सूर्य भगवान स्वरूप है, चांद गुरु स्वरूप है। जो चांद है वो भगवान की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करके आपको भेज रहा है, जो भगवान की शक्ति उसी को आपकी तरफ भेज रहा है। लेकिन फर्क बहुत है, सूर्य की किरणों और चांद की किरणों को आप एक जैसा नहीं बोल सकते, अगर बोलोगे तो लोग आपको पागल बोलेंगे, क्या बात है। चांद की किरणें शीतल हैं, आनंद शांति देने वाली हैं, और सूरज भी निकल जाओ बाहर गर्मी में आजकल पसीना पसीना हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा। तो सूरज की किरणें इतनी स्ट्रांग है कि हम उसको सहन नहीं कर सकते, उसको गुरु धारण करता है, वो डायरेक्ट कनेक्शन है, और फिर हमको बड़ी शीतल शीतल किरणें भेजता है जिसकी हमारे मन को शांति मिले बैठ के आराम से। हमारे महाराज ने एक और छोटा उदाहरण किया इस बात को समझने के लिए। गुरु जी कहते थे कि एक देश है भारत देश, अब भारत और चाइना की बनती नहीं, आपस में थोड़ी खटपट है, और चाइना में सामान बड़ा सस्ता मिलता है, आप सब जानते हैं चाइनीज फोन और चाइनीज सब चीज चाइनीज आ रही है आजकल। लेकिन अब बनती नहीं, आपस में डायरेक्ट व्यापार नहीं है, ना वहां का सामान यहाँ आ सकता, ना यहाँ का सामान वहां जा सकता। अब सामान हमको चाहिए, तो कहते क्या करेंगे? कहते हम ऐसा एक देश ढूंढेंगे जिसकी चाइना से भी बनती हो, भारत से भी बनती हो। गुरु जी बोलते थे नेपाल जैसे होंगे। अब नेपाल जो है उसके चाइना से भी रिलेशन अच्छे हैं, भारत से भी अच्छे हैं। अगर हम वहां चले जाएं तो वहां पे हमको चाइनीज सामान मिल जाएगा, क्योंकि चाइना से भी आता है, यहाँ से भी हम जाते हैं, इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से गुरु वह व्यक्ति है जिसका भगवान के धाम से संबंध है। गुरु नित्य भगवान की किंकरी है, राधा रानी की किंकरी है, मंजरी है, उनका एक स्वरूप वहां पे भी है और एक स्वरूप हमारे बीच में भी है। दोनों तरफ गुरु जी रहते हैं, कभी कभी उधर घूमते हैं, कभी कभी इधर घूमते हैं, अपने अपने अच्छा से। बीमार थे लास्ट के समय, उन्होंने लीला करी, तब अचानक से वो ठीक हो जाते थे, और कभी कभी अचानक से एकदम पूरे दिन बात ही नहीं करते थे। अगले दिन आओगे तो खूब बढ़िया से सबको दीक्षा दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक से सारा काम कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ है। तो ऐसे गुरु लीला करते हैं, अपने धाम में भी रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं। हम डायरेक्ट उस धाम के बारे में कुछ पता नहीं चल सकता हम कभी भी, इसलिए गुरु जी को मध्यस्थ रखना बहुत जरूरी है, और गुरु जी को भगवान की तरह आदर करना उनका मन में जाएगी। गुरु सेवा और भगवत सेवा में कोई फर्क नहीं है, तो जो हम गुरु की सेवा करेंगे वो भगवान के चरणों में सीधी ही जाती है, उसमें कोई भी बीच में इधर उधर नहीं है। अगर आपको भगवान की सेवा करनी है तो किसकी करनी पड़ेगी? गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा। भगवान कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ आदेश नहीं देंगे, गुरु देगा। गुरु का आदेश भगवान का आदेश, पत्थर की लकीर मान के जो शिष्य चलेगा उसको अवश्य उसके ताप भरे जाएंगे, अवश्य वो भगवान की आनंद को प्राप्त करेगा। और जो शिष्य खाली नाम मात्र के लिए गुरु करेंगे, दिखावे के लिए, सोशल सामाजिक स्टेटस के लिए कि मेरे गुरु हैं, उनको फिर वो ठगा जाएगा, और ठगे जाएंगे तो फिर ठगे ही जाएंगे, तो कुछ मिलेगा नहीं, खाली जन्मों के जन्म में आगे चलते जाएंगे। इसलिए आज के दिन बड़ा शुभ दिन है, हम सभी को चाहिए, महाराज जी हमारे गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे महाराज जी के एक तरह से हमारे गुरु ही हैं जो यहाँ बैठे हैं। हम सभी को चाहिए कि हम अपने हाथ जोड़ के महाराज जी के चरणों में शरणागत हों, और जो भी हमसे बन पड़े सेवा जरूर करें, जैसे भी हो, तन मन तो भगवान प्रसन्न, भगवान को अलग से प्रसन्न नहीं कर सकते, गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद हो, यस्य प्रसादा न गति कुतो। तो जो गुरु का प्रसाद है वो भगवान का प्रसाद है, गुरु जी प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। गुरु की भक्ति और भगवान की भक्ति एक जैसी होनी चाहिए, जरा भी फर्क नहीं होनी चाहिए। आप सभी आज गुरु पूर्णिमा के दिन महाराज जी के चरण आश्रय लें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। वंशा को हरिबोल। हमारे बीच में श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, ये जयपुर में रहते हैं, और ये है तो गुरु जी की
लास्ट समय में आए हैं, लेकिन गुरु जी की उन्होंने बड़ी सेवा की। जानते हो क्या सेवा किया? हमारी गौड़ीय संत, हमारी जो वेदांत समिति में ये ऐसे एक बच्चा है जो कॉलेज कॉलेज में जा करके यंग यंग बच्चियों को कॉलेज में जा करके उन्होंने MBBA किया हुआ है। पिता माता की एक ही बेटा था, लेकिन गुरु जी की कथा सुन करके उन्होंने सब छोड़ करके गुरु जी की शरण में आए और इन्होंने कॉलेज कॉलेज में जा करके यंग यंग बच्चों को प्रचार करते हैं और उनको उन्होंने भगवान की भक्ति में एक नहीं कितने सारे बच्चों को जैसे खिले हुए फूल को हम ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हैं, बड़े सुंदर खिले हुए फूल उन्होंने ठाकुर जी के चरण में चढ़ाया। यहाँ पर एक गजेंद्र अनिरुद्ध अब देखे उनके बच्चे, इनकी प्रीचिंग सही आए, इन्होंने सेमिनार दिखा किया है और सेमिनार से बच्चे आए जयपुर के अच्छे अच्छे बच्चों को उन्होंने भगवान के भजन में लगाए। हमारे से सुंदर गोपाल प्रभु आपको अभी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। देखो अभी अजय प्रभु जी बता रहे थे कि जो सेवक है तीन तरह के, कितने तरह के बोलो? तीन तरह के, एक उत्तम है और एक मध्यम है और एक अधम है। पहले उत्तम सेवक किसको कहते हैं? पहले उत्तम सेवक उसे कहते हैं बोलने से पहले मन की भावनाओं को समझते हुए जो करते हैं वो उत्तम सेवक। बोलने से पहले जैसे श्री भरत जी थे, श्री भरत जी थे राम, बोलने से पहले ही भरत प्रभु की इच्छाओं को समझ करके सारे काम करते थे, बोले ये उत्तम सेवक है। बोले मध्यम सेवक कौन है? कहते जो आदेश देने पर आदेश को सिरधार्य करते हुए आदर पूर्वक वो आदेश को पालन करते हैं, कहते ये कौन है? ये मध्यम सेवक है। और अधम कौन है? गुरु जी कहते थे आदेश देने पर भी गुरु जी की जो पालन नहीं करे, इसलिए गुरुदेव कहते से ब क, ये तीन या क्या रहे? बोले से को हटा दो फिर क्या रहेगा? बोले ब, कहते सेवक नहीं वो बगुला है, वो बगुला सेवक है। देखो अभी अजय प्रभु जी ये बता रहे थे, ये बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे अजय प्रभु जी। अभी प्रश्न है भैया हम गुरु किसको कहते हैं? हम गुरु कहेंगे किसी, इसलिए हमारे गुरु हम कहते हैं जो गुरुदेव कौन है? श्री बलदेव प्रभु अभिन्न, श्री नित्यानंद अभिन्न गुरु जी को कहते हैं। कहते श्री बलदेव प्रभु और नित्यानंद प्रभु कहते हैं क्या? कहते श्री बलदेव प्रभु कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण देखने में काले और दाऊ भैया देखने में गोरे, केवल इतना फर्क, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन होते हुए भी वो कहते हैं क्या? कहते दस शरीर से भगवान की जो कुछ आप देख रहे हो उनका आश्रय, उनकी पादुका, उनकी छत्र, उनकी चामर, उनकी व्यंजन, उनकी जूती, उनकी जनेऊ, उनके वस्त्र, उनकी सेवा की जितने वस्तु है वो अभिन्न होते हुए भी हर समय भगवान की सेवा में लगे हुए। फिर पंचो रसों से शांत, दास्य, सख्य, वात्सल और मधुर, ये पंच रसों से हर समय कृष्ण सेवा करते हैं, हर समय कृष्ण सेवा करते हैं। कहते हैं हमें गुरु किसको कहेंगे? गुरु उसे कहेंगे, कहते हम नित्यानंद अभिन्न, बलदेव अभिन्न। गुरु कभी भी ये नहीं बोलते तू मेरी सेवा करो, वो कभी भी नहीं बोले, वो गुरु है नहीं जो कहते मेरी सेवा करो। इसलिए गुरुदेव हर समय क्या कहेंगे? नाम ले तो किसका नाम लो? ठाकुर जी का नाम, भगवान का नाम लो। सेवा करो तो किसकी सेवा करो? ठाकुर जी की सेवा करो। वो कभी भी नहीं बोले कि भैया मेरी सेवा करो, मेरे नाम लो, मेरी पूजा करो, कभी नहीं बोलते जो सदगुरु है। वो हर समय उनको पता है हमारी सेवा से जीव का कल्याण नहीं, हमारी नाम से जीव का कल्याण नहीं, जीव का कल्याण तभी होगा जब जीव ठाकुर जी के नाम लेंगे, उनकी सेवा भक्ति पूजा करेंगे, तभी जीव का तभी कल्याण, नहीं तो जीव का कभी कल्याण नहीं। कभी ये सदगुरु के एक विशेष लक्षण श्री, ये सदगुरु के है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो ऐसे गुरु परंपरा में आए, जो गुरु परंपरा हर समय संपूर्ण जीवन, इसलिए कहते गुरु जी का लक्षण किया है, इसमें एक श्लोक बताए उन्होंने, उसमें
बोले सदा रत जिनी विग्रह सेवने श्रृंगारादि आर मंदिर मार्जने करेन निजुक्त अनुगत जने बंदी से गुरु चरण। मतलब है जो 24 घंटा में 24 घंटा जो भगवान की सेवा पूजा भक्ति नाम लेते हैं और उनको पास में जो आते हैं उनको क्या करते हैं, स्वयं तो सेवा भक्ति करते हैं, उनको पास में आने वाले व्यक्तियों को ठाकुर को सेवा में लगा देते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगा देते हैं। ये कौन है? श्री गुरुदेव है। हम ऐसे एक शुद्ध परंपरा में आए हैं जो हमारी परंपरा भगवान की भक्ति की, हमें भी भगवान की भक्ति में लगा कर गए। इसलिए बीच में हमारे से सुंदर गोपाल प्रभु जी जो बहुत सारे बच्चों को उन्होंने भगवान की भजन में लगाए, वो भी आपको थोड़ी सी गुरु तत्व के ऊपर में प्रभु जी आपको बताए। श्री सुंदर गोपाल ज्ञाते विरंदस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाचा कल्पतरुभ्यश्च जीव प्रभु के राजा जीव प्रभु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जीव प्रभु। और कमल प्रभु यहाँ पर है। हे कमल प्रभु, एक बारी जोर से महामंत्र बोलते हैं। आप लोगों को तो नींद नहीं आ रही, मुझे आ रही है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 निद्रा देवी वहां तक आ गई थी, सबको सुनाने वाली थी, बात भाग गई। देखा देखा भक्त है। देखो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। बार बार हम ये सुनते हैं कि हम बड़े सौभाग्यवान हैं, हम सौभाग्यवान हैं। जो भी कथा करते हैं सब लोग क्या बोलते हैं, हम बड़े सौभाग्यवान हैं। क्या अनुभूति होती है भाई, क्या सौभाग्यवान है। जेब में 100 रुपए लेके आते हैं, वही 100 रुपए लेके जा रहे हैं। जो मोबाइल था वही मोबाइल है, सौभाग्यवान कैसे हुए। लेकिन अभी हमें इसकी अनुभूति होती नहीं है। हमारे गुरुदेव ने कार्तिक में कथा में बोलते थे कि तुम कितने सौभाग्यवान हो, तुम इसको नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। गुरु जी उस चीज के ऊपर बहुत फोकस करके बोल रहे हैं, तुम समझ ही नहीं सकते, तुम अभी नहीं जान सकते कि तुम कितने सौभाग्यवान हो। ये जो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य शरीर के बाद भगवान ने क्या दिया है, हमारे हृदय के अंदर भक्ति करने की वास्ता दे दी है, और क्या दिया है, संतों का संग दे दिया है, वैष्णव संग दे दिया है। ये कितनी बड़ी भगवान की कृपा है, तुम इसको समझ नहीं सकते। एक बारी एक ब्रजवासी गुरुदेव से मिलने के लिए आया था, मथुरा में दर्शन करने आता था। गुरुजी ने उसको बोला, बेटा तुम तो बहुत सौभाग्यवान है। तो उसने कहा, गुरुजी मेरा उपहास क्यों उड़ाते हो, देखो फटे तो कपड़े पहने हैं मैंने, मजदूर था। कह रहे गुरुजी फटे कपड़े पहने हैं, सूखी रोटी खाता हूँ, और आप क्या कह रहे हो कि मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ। गुरुजी बोले, तू समझेगा नहीं कि तू कितना बड़ा सौभाग्यवान है, कि देखो ब्रज में जन्म दे दिया है, देखो यहाँ पे गौड़िया मठ के भक्तों का संग मिल गया है, हरी कथा सुनने को मिल जाती है, कितना सौभाग्य है, अभी तुम्हें समझ में आएगा नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे, गुरुजी बोलते थे कि जो मेरे को मेरे गुरुदेव ने दिया, यानी कि भक्ति प्रज्ञान शील केशव गोस्वामी महाराज जी ने, गुरुजी बोलते थे कि जो मेरे को मेरे गुरुदेव ने दिया है वो इतनी अनमोल वस्तु है, आज जाके हमें समझ में आती है। गुरुजी इस बात को अपनी कथा में बोल रहे हैं, और गुरुजी कह रहे हैं कि अपने गुरु की सेवा के लिए इस जगत में सबसे अनमोल वस्तु होते हैं अपने प्राण। अपने प्राण के लिए लोग क्या नहीं करते, प्रॉपर्टी भी बेच देते हैं, डॉक्टर मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि अपने गुरुदेव की सेवा के लिए अपने प्राणों को मैं हथेली पे रख के चलता था, ऐसे हथेली पे, और अपने प्राणों को हथेली में रख के अपने गुरुदेव के पास हमेशा सेवा के लिए प्रस्तुत रहता था, कि अगर मुझे सेवा में अपने प्राण भी देने पड़ जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। वो इतने बड़े प्राण देने के लिए गुरु जी कह रहे हैं वो भी कुछ नहीं है। तो हमें गुरुदेव इतनी ऊंची वस्तु दे देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु जी एक कीर्तन आता है हमारा जिसमें बताया गया है, श्री गुरु कृपाए भेंगे ची स्वापना बुझी छे एकाना तुमी तो आपाना तब ने जजाना परम बांधव संसार कारागारे। बड़ा सुंदर कीर्तन है, ओहे प्रेमेरा ठाकुर गोरा। इसमें कह रहे हैं तब निज जन परम बांधव। इस जगत में हमारा बांधव कौन है, हमारे मित्र कौन है? हम बोलेंगे मैया हमारी है, पिता हमारे हैं, काका हमारे हैं, दोस्त हमारे हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं, तब निज जन, हे भगवान जो आपके निज जन है, जो हमारे गुरुदेव है, जो भगवान के निज जन है,
तब निज जन परम बांधव, हमारे जो परम बांधव है भगवान वो आपके निज जन ही है। क्यों? तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे, ये जो संसार है ये क्या है, ये कारागार है। कारागार मतलब समझते हो, जेल होती है, जेल में क्या दिया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है। तो हमें यहाँ पे पनिशमेंट मिल रही है नहीं मिल रही, हम सब लोग बूढ़े होते हैं, आज एक दिन तो हम लोग बुढ़ापे की तरफ चले या नहीं चले, एक दिन आज हम और बुढ़ापे की तरफ चले। तो हम सब लोग बुढ़ापा जन्म मृत्यु हम सब लोग इस जेल में बैठे हैं। और देखो बुढ़ापे की कोई डेट होती है? देखो हर चीज की डेट होती है, जिस दिन शादी हुई उसकी भी डेट है, जिस दिन जन्म हुआ उसकी भी डेट है, जिस दिन गाड़ी खरीदते हो उसकी भी डेट है, जिस दिन स्कूल से पास आउट किया उसकी भी डेट है। लेकिन बूढ़े किस दिन है उसकी कोई डेट है क्या? उसकी कोई डेट ही नहीं होती। तो हम सब लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंदर पड़े हुए हैं। तो इस संसार रूपी कारागार के अंदर हमारा बांधव कौन है? एक हमारा बांधव वो ही है इस संसार रूपी कारागार के अंदर, जो हमें इस संसार की कारागार से बाहर निकाल सकता है, जो हमें जन्म मृत्यु से बाहर निकाल सकता है, वही तो बांधव है। जब एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आईसीयू में है, डॉक्टर क्या उसके माता पिता को भी मिलने देते हैं? नहीं मिलने देते। क्यों? तुम कुछ कर ही नहीं सकते, मिलके करोगे क्या? नहीं मिलने देंगे। उस समय उसका बांधव कौन है? डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ही रक्षा कर सकता है। एक व्यक्ति बीमार हो गया तो उसका उस समय बांधव कौन होता है? औषधि, औषधि ही तो उसकी रक्षा करेगी। कह रहे हैं उसी प्रकार से इस संसार के अगर कोई दुर्ग से बचना चाहता है, जन्म मृत्यु के दुख को हमेशा खत्म करना चाहता है, तो एक ही बांधव है, वो कौन है? गुरु वैष्णव। क्योंकि वो उस जगत से इस जगत में आते हैं और हमें इस संसार के दुर्ग से बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें प्रभुपाद जी एक बात बोलते थे, कृष्ण कृपामय है या नहीं है बताओ? कृष्ण कृपामय है। अब एक व्यक्ति बोलता है मैं तो रोज मंदिर जाता था, देखो ठाकुर जी ने मेरे पर कृपा करी और मेरी नौकरी लग गई। मैं रोज मंदिर जाता था, ठाकुर जी ने मेरे पे कृपा करी, मेरे को नौकरी तो मिल गई थी लेकिन छोकरी नहीं मिल रही थी, अब छोकरी भी मिल गई, शादी हो गई। एक व्यक्ति बोलता है मैं रोज मंदिर जाता था, नौकरी भी लग गई भगवान की कृपा से और शादी भी हो गई लेकिन संतान नहीं हो रही थी, अब संतान भी हो गई। तो ये भगवान की कृपा है या नहीं है? है? नहीं है, नहीं है। सुनो इसको अच्छी तरह, ये भगवान की कपट कृपा है। कौन सी कृपा? कपट। एक होती है भगवान की निष्कपट कृपा। भगवान की निष्कपट कृपा क्या है? इसको भागवत में भगवान खुद बोलते हैं, क्या? भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तरहि अच्युत सत् समागमः। भगवान कह रहे हैं कि जब मैं किसी पे पूर्ण कृपा करता हूँ, पूर्ण कृपा समझते हो, पूर्ण कृपा करता हूँ, जैसे मानो अगर मेरे से कोई मांगने के लाया कि आप मुझे 100 रुपए दे दो, मैंने उसको 100 रुपए दे दिया। एक व्यक्ति कुछ मांगने के लाया, मैंने उसको 500 दे दिया। एक व्यक्ति को मैंने बोला भाई क्यों रोज भीख मांगता है, चलते को नौकरी ही लगा देता हूँ, तो जिसको नौकरी लगाई उसके ऊपर ज्यादा कृपा करी ना, रोज रोज भीख छोड़े ना मांगेगा। तो कह रहे हैं भगवान की संपूर्ण कृपा क्या है? संपूर्ण कृपा, जिसके बाद भगवान अपना सारा सारा कृपा का भंडार ही जिसके ऊपर खोल दे। तो कहते हैं भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत्। एक जीव इस संसार के अंदर भ्रमण कर रहा है, कैसे? कभी जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, इसी के अंदर ही भ्रमण करता रहता है। इस जन्म मृत्यु के अंदर भ्रमण करते 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 जब भगवान किसी पे कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? अच्युत सत् समागमः, उसको अपने भक्त का संग दे देते हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण कृपामय है, लेकिन उनकी कृपा का परिचय क्या है? हम कैसे माने कि आप कृपामय हो? श्री गुरु के दर्शन करा के ही वो अपनी कृपा का परिचय देते हैं। जब हमारे जीवन में गुरु पाद पद्म आते हैं तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा, भगवान ने अपनी कृपा का सबसे बड़ा परिचय क्या दिया? कि हमें गुरु पाद पद्म के चरणों में अर्पित कर दिया। इसलिए जो हमारे सबसे पहले प्रभु जी ने कथा करी थी, उन्होंने क्या बोला था? कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की जो साक्षात कृपा की मूर्ति है वो होते हैं गुरु पाद पद्म। देखो अब प्रश्न है कि हम गुरु को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान ने उद्धव जी को एक बात बोली थी श्रीमद् भागवत में, ना अहम प्रजति भयाम तपस उपशमेन वाम तुष्ययम सर्वभूतात्म गुरु शुश्रूषा यथा, कि अगर कोई मेरी पूजा करता है, हाँ उद्धव मैं उससे प्रसन्न तो होता हूँ लेकिन इतना नहीं होता। अगर कोई मेरी परिक्रमा करता है, हाँ उससे भी प्रसन्न होता हूँ लेकिन इतना नहीं होता। तो भगवान आप सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हो ये अपने मुख से ही बता दो। तो भगवान बोलते हैं तुष्ययम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषा यथा, अगर कोई व्यक्ति गुरुदेव के पास जाके पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, उनकी सेवा करता है, उस समय जितना भी को प्रसन्नता होती है उससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे कभी नहीं होती।
इसलिए अगर हम लोग गुरु सेवा करते हैं तो ये भगवान को प्राप्त करने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। शॉर्टकट बोलो, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। अब प्रश्न है कि गुरुदेव को प्रसन्न कैसे करें? ये तो हमने जान लिया कि गुरुदेव भगवान की कृपा की मूर्ति है, हमारे पे कल्याण करने आए हैं, लेकिन अब हम उनको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? तो गुरुदेव एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। गुरुजी बोलते थे कि देखो, एक बारी एक व्यक्ति ने बोला, गुरुदेव कल व्यास पूजा है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मैं आपको क्या दूं, 1100 दूं, 2100 दूं, क्या दूं? तो गुरुजी बोले, बेटा एक काम कर, जो तेरे घर में सबसे गंदी वस्तु है ना, तो वही मुझे लाके दे दे। उसने कहा ठीक है गुरुजी, ऐसे ही करता हूँ। अब घर पे गया तो ढूंढ ढूंढ के जो सबसे गंद पड़ा था, सारा कचरे से इकट्ठा किया, सारे घर से एक पन्नी में बांधा और कल सुबह व्यास पूजा है, गुरुजी को जाके दूंगा। अब जब सुबह मल त्यागने के लिए गया, फ्रेश होने जैसे जाते हैं, जब मल त्यागने के लिए गया तो जब जैसे उसने मल को त्यागा, उसने कहा गुरुजी ने क्या बोला था, सबसे गंदी वस्तु लाके देना, तो ये मल तो इससे भी गंदा है। तो उसने अपने मल को ही थैली में बांध लिया कि आज ये दूंगा गुरुजी को। अब जब मल लेके जा रहा था तो रास्ते में मल ने उसको बोल दिया, अरे रात को तो मैं तेरे पेट में जब गई थी तब तो क्या थी, तब तो मैं कचौड़ी थी, मालपूड़ा था, रोटी सब्जी थी, रबड़ी थी, तेरे पेट के संग से क्या हुआ, मेरी ये विकृति हो गई, मैं मल बन गई, तो बता मैं गंदी या तू गंदा? उसने कहा नहीं गुरुजी, क्या चाहते हैं, इस शरीर को चाहते हैं, इस मन को चाहते हैं। तो उसने जाके गुरुदेव जी के पास फिर क्या किया, अपना आत्मसमर्पण किया। तो गुरुजी इस बात को बोलते थे कि गुरु पूजा में क्या दो, अपने मन को दे दो, क्योंकि ये जो मन है ये बहुत गंदा है, कोटि कोटि जन्मों से इसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ भरा पड़ा है। यहाँ तक कि जब मंदिर में भी आते हैं तो क्या देखते हैं, अच्छी चीज देखते हैं, बुरी चीज देखते हैं, बताओ? मंदिर में भी आते हैं तो बुरी चीज देखता है ये मन, मंदिर में आने के बाद भी अच्छी चीज नहीं देखता। अभी हम लोग चार धाम गए थे, तो हम जब चार धाम गए, यमुनोत्री की बहुत ऊंची चढ़ाई है, बहुत ऊंची चढ़ाई करने के बाद जब लोग नीचे आए, मेरे तो घुटने में दिक्कत है, मैं जा नहीं सका, तो मैंने उन सबसे पूछा यमुनोत्री दर्शन कराए, कह रहे हाँ हाँ यमुनोत्री बड़े अच्छे दर्शन हुए, बड़े अच्छे दर्शन करके आए। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, यमुना जी ने कौन सी ड्रेस पहनी थी बताना, यमुना जी ने कौन से वस्त्र पहने थे? प्रभु जी वो नहीं पता। तो क्या दर्शन करके आए? हम मंदिर में भी आते हैं तो ये याद रहेगा कि इसने कौन सी साड़ी पहनी थी, इसने कौन सा ये पहना था, लेकिन ठाकुर जी के वस्त्र नहीं याद रहते, क्योंकि ये मन को आदत हो चुकी है गंदी चीजें देखने की, ये हर जगह गंदा देखता है। तो बताया कि ये जो मन है, जब हम ये मन गुरुदेव को देते हैं तो गुरु जी क्या करते हैं, इस मन को साफ कर देते हैं, और साफ करके इस मन में क्या करते हैं, राधा गोविंद की सेवा को प्रकाशित करते हैं, इस मन के अंदर वृंदावन धाम को प्रकाशित करते हैं। इसलिए हमें व्यास पूजा के दिन गुरुदेव को क्या देना है, अपना क्या देना है, मन देना है। और देखो भगवान क्या मांगते हैं, ये जो जगत है ये जगत आपसे धन मांगता है। मानो अगर आप अपनी पत्नी को बोलो, देख भाई बात ऐसी है, मैं आज से देखो धन नहीं दूंगा लेकिन मन देखो दे दूंगा, पत्नी क्या बोलेगी, मन अपने पास रख भाई, धन ही मुझे दे दे, मुझे मन से कोई मतलब नहीं है। इस संसार को आपका मन चाहिए या धन चाहिए बताओ? इस संसार को आपका तन चाहिए और धन चाहिए, मन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान और वैष्णव को क्या चाहिए, आपका मन। इसलिए हमें तन तो देना है संसार में, खैर वो भी धीरे धीरे भक्ति में ही देना है, लेकिन मन कहाँ पे देना है, मन कहाँ पे देना है, गुरु वैष्णव के चरणों में देना है, ठाकुर जी को देना है। और भगवत गीता में भगवान क्या मांगते हैं, यही तो मांगते हैं, मन मना भव मन भक्तो, कि अर्जुन मुझे क्या दे दो, अपना मन दे दो। तो इसलिए हम लोग अपना मन जो गुरुदेव को देंगे उसकी भी एक क्रम है कि हम कैसे दे सकते हैं। जो गुरुजी ने हमें साधन की पद्धति बताई है, किस प्रकार से हरि नाम करना है, किस प्रकार से अपनी गायत्री मंत्र करने हैं, किस प्रकार से परिक्रमाओं में जाना है, जब हम इन सारी साधन क्रियाओं को पालन करेंगे, धीरे 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 जाके हमारी आत्मा जागृत होती है, तब जाके जो मैंने सबसे पहले श्लोक बोला था, तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे, तब जाके इसकी अनुभूति होती है। कैसे अनुभूति होती है, वैष्णव लोग एक और उपाख्यान देते हैं, देखो एक बारी एक गुरु ने अपने शिष्य को बोला, देख भाई बात ऐसी है, तेरी जो पत्नी है, तेरे जो बच्चे हैं, जो भी है, वो सब तेरे से प्रेम नहीं करते। अरे गुरुजी कैसे प्रेम नहीं करते, आप तो त्यागी हो, आपको क्या पता पत्नी का कितना ऊंचा प्रेम है, बच्चों का कितना ऊंचा प्रेम है। गुरु जी बोले नहीं, कि जितना भी प्रेम है ये सारा का सारा प्रेम जो है वास्तविक प्रेम नहीं है, वास्तविक प्रेम केवल किससे होता है, ठाकुर जी से होता है। उसने कहा नहीं गुरु जी, मैं तो आपकी बात नहीं मानता। तो फिर गुरु जी ने क्या किया, बोले अच्छा देख, अगर मैं तुझे विश्वास दिलवा दूं कि इस संसार का जो प्रेम है वो वास्तविक प्रेम नहीं है, वास्तविक प्रेम केवल किसके साथ होता है, राधा गोविंद के साथ होता है, कृष्ण के साथ होता है। हाँ गुरु जी, अगर आप मुझे विश्वास दिलवा दोगे तब मैं आपकी बात मान के पूर्ण रूप से भजन करूंगा। तो उसके गुरुदेव ने उसको एक मंत्र दिया, बोले तू इस मंत्र को करना शुरू कर।
और इस मंत्र को करते करते देखो एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी जिससे तू मरने का नाटक कर सकता है। कुछ दिन उसने मंत्र किया, उसको सिद्धि मिल गई, अब वो मरने का नाटक कर सकता है। गुरुजी ने बोला आज अपने घर में जाके तू मरने का नाटक कर और जब तक मैं नहीं आऊं उस नाटक को खत्म मत करना। उसने ऐसे ही किया, गरीब इंसान था, घर में अपनी जो झुग्गी झोपड़ी थी वहां पे गया और बिल्कुल जो किवाड़ होती है किवाड़ के पास जाके मरने का नाटक किया और पत्नी बच्चे ने माता पिता ने देखा भाई ये तो मर गया है, सब चीखने लगे चिल्लाने लगे, आसपास के सब रिश्तेदार और पड़ोसी सब आ गए। अब उसकी पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, हाँ मेरे पापा कहाँ चले गए, पत्नी बच्चे माँ सब रो रहे हैं। अब वो मनी मन में सोच रहे कि देखो मेरे घर वाले मेरे से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन गुरुजी ने बोला था ये प्रेम तो नकली है, लेकिन ये तो इतना मेरे को लेके विलाप कर रहे हैं। उसी समय उसके गुरुदेव वहां पे आते हैं और गुरुजी वहां पे आके क्या बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं देखो भाई बात ऐसी है मैं तुम्हारे इस व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ, उसकी पत्नी को बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पति को एक शर्त पे जीवित करूंगा, आपको इसके जगह अपने प्राण देने पड़ेंगे, आप अपने प्राण दे दो और ये जीवित हो जाएगा। तो पत्नी कहती है नहीं नहीं मैं क्यों अपने प्राण दूंगी भाई, मेरे बच्चे हैं, बच्चों को मैंने पालना है, पिता थोड़ी ना पालता है। उसकी माता को बोले भाई तू प्राण दे दे तेरे बेटे को जीवित कर दूंगा। नहीं नहीं मैं कैसे दे सकती हूँ, मैं पति व्रता हूँ, पति की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, मेरे पति अभी जीवित है। उसके पिताजी को बोला, कह रहे नहीं जो विधाता ने लिखा था हमें तो वही मंजूर है, मैं अपने प्राण क्यों दे दूं। सब ने मना कर दिया। जब सबने मना कर दिया तब उसको समझ में आई कि वास्तविक बंधु कौन होते हैं, केवल गुरु वैष्णव ही हमारे वास्तविक बंधु होते हैं। अब उसका जो घर था जहां पे उसने मरने का नाटक किया था, तो वो मरने के बाद शरीर थोड़ा फूल जाता है, उसका शरीर फूल गया और घर पुराना सा घर था, खंबे के बीच में उसका शरीर अटक गया। अब शरीर बाहर खींचने तो निकल ही नहीं रहा। पत्नी बोली कि भाई अगर शरीर बाहर खींचने से नहीं निकल रहा तो किसी ने बोला खंबा तोड़ दो। बोले नहीं नहीं हम गरीब लोग हैं, खंबा तोड़ना नहीं, इसका थोड़ा सा तो पैर अटक रहा है, थोड़ा सा पैर काट के बाहर निकाल लो, लेकिन खंबा सोले ना तोड़ने देंगे घर का। तो वो एकदम जाग गया, कह रहे गुरुजी अब आप मेरे को लेके चलो, आपने सच बोला था कि इस संसार में अपना कोई नहीं होता, केवल गुरुपाद पद्मी हमारे अपने होते हैं, इसलिए जो गुरुजी के साथ संबंध है वो नित्य संबंध है। हमारे शास्त्र बोलते हैं वात्सल्य मातृ कोटिर, 1,00,000 माताएं, सोचो 1,00,000 माता जो प्रेम होता है उतना प्रेम गुरु अपने एक शिष्य से करता है, क्या आप और हम कभी सोच सकते हैं एक माता प्रेम कितना ऊंचा होता है, एक माता। और कह रहे हैं 1,00,000 माता प्रेम गुरु अपने एक एक शिष्य से करते हैं, ये इतना ऊंचा प्रेम का संबंध है। इसलिए तो ये संबंध कैसे नित्य है हमारे गुरु जी। इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ, नेता गौर प्रेमानंदे श्री। देखो हाँ देखो मैं बोल देता हूँ, तुम बोल तुम ठीक से बोल नहीं पाते। हाँ देखो हाँ कितना तारीख, 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हमारे प्रभु जी ये 84 ब्रजमंडल परिक्रमा करवाना चाहते हैं। कभी ये पृथ्वी में बताया 6 अरब तीर्थ है, कितना 6 अरब तीर्थ है, ये 6 अरब तीर्थ भ्रमण करना बड़ा कठिन है, लेकिन ये जो ब्रजमंडल 84 क्रोस है, अगर ये 84 क्रोस ब्रजमंडल कोई परिक्रमा कर ले, कभी ये भगवान को भूल करके हम 84 लक्ष जोनी भटक रहे हैं, अगर ये 84 ब्रजमंडल को कोई परिक्रमा कर ले तो उसको ये 84 लक्ष जन्मों जो जीव भटक रहे हैं ये संपूर्ण रूप में समाप्त हो जाता है, इतने महिमा ये ब्रजमंडल परिक्रमा करने की। कहते जो ब्रजमंडल है जो वृंदावन धाम है, कल जब कृष्ण जन्म नहीं हुए थे श्री नंद बाबा ने भगवान से मनोति रखा था, ठाकुर जी अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म है जाए फिर तुम्हें पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ का मैं जाऊंगा दस। इतने में कृष्ण ने देखा देखो हमारे पिता माता ब्रजवासी कितने सरल और कितने ये दीन ही सरल है, बोले पिता माता जी बोले कहाँ जाओगे, बोले हम ये पृथ्वी का सारे तीर्थ में जाएंगे, बोले सारे तीर्थ तो यहीं पर है, बोले कहाँ पर, बोले मेरे साथ में आओ ना, अभी मैं बड़ा हो गया ना, मेरा कर्तव्य है पिता माता को सारे तीर्थ में भ्रमण कराना। खैर उन्होंने उनको लेकर काम्य वन में गए, काम्य वन में जाकर के बोले सबके सब हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ करके सारे तीर्थों का स्मरण करो। जब स्मरण किया इतने में पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है